गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर एनालिसिस। आज हम लोगों का यूनिट फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी 404 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने मॉडल्स की चर्चा की थी। मॉडल्स में हम लोगों ने उन सारे चीज़ों को जानने का प्रयास किया जो मॉडल्स होते हैं, जैसे कि कंकरेंट प्रोसेस मॉडल का होना, वाटरफॉल मॉडल, भी मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स थे। हर और प्रत्येक मॉडल की अपनी एक विशेषता थी। प्रत्येक मॉडल अपनी एक विशेषता के कारण ही जाने जाते थे। वह विशेषता क्या थी कि जैसे किसी मॉडल में सॉफ्टवेयर का जल्दी बन जाना, किसी मॉडल में सॉफ्टवेयर के फेजेस का आसान हो जाना, किसी मॉडल में सॉफ्टवेयर के फेजेस का कंग्रेंट हो जाना, किसी मॉडल में रिस्क, किसी मॉडल के फेज में रिस्क का कम होना, किसी मॉडल के फेज में सॉफ्टवेयर को एनालिसिस अच्छे से करना। अमन, यही सब तो था क्या? इन सारे मॉडल्स में हम लोगों ने सीखा और हम लोगों ने जानने का प्रयत्न किया कि सारे मॉडल्स होते हैं, चाहे वो भी मॉडल हो, चाहे वो कंकरेंट प्रोसेस मॉडल हो, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, ये सारे मॉडल्स थे। और ये लोग ये सारे मॉडल्स की एक चर्चा भी थी, और इसकी चर्चा और परिचर्चा के दौरान ये भी हुआ कि इस मॉडल में कुछ फेजेस भी थी। फेजेस मतलब अवस्था, पहला काम क्या होता था, फर्स्ट फेज क्या होते थे। और शायद आप लोग परिचित भी होंगे सेकेंड सेमेस्टर में जब आप लोगों को मैंने सेट पढ़ाया था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के दौरान आप लोगों को मैंने फेजेस की भी चर्चा की। वह फेज क्या था, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज। उन सारे फेज जरा रितुल को पता कीजिए, तो सोई रह गई कि कहाँ है। तो क्या है ये फेज? अच्छा ठीक है, अब क्या है ये फेजेस में हम लोग सारे फेज की चर्चा किए, कौन सा फेज में क्या होता है, किसी फेज में रिक्वायरमेंट को पहले एनालाइज किया जाता है, कस्टमर का इंटरेक्शन होता है, सारी चीज। तो हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में टोटली इन सारे चीज़ों का अध्ययन किया और समझने का प्रयत्न किया कि कैसे मॉडल काम करते हैं। अब हमारे सामने है यूनिट 2 404 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिद्धांत। अब जो पहले से है यूनिट 2 में क्या है, बेसिकली म्यूट कर लीजिए, राहुल कुमार म्यूट कीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर से राहुल म्यूट कर लीजिए। अब क्या है क्लास, हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या है। जो यूनिट 2 है उसमें हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। सिस्टम एनालिसिस जो सैड आपने पढ़ा था अमन इस सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, अमन सिस्टम एनालिसिस तो, हाँ तो वही सिस्टम एनालिसिस फिर थोड़ा आ चुका है। और मैंने इस सारे चीज़ों का चर्चा भी किया था उस समय, जिसमें मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, एनालिसिस मॉडल्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, फास्ट टेक्निक क्या है। आप लोग ये सारी चीज़ों से आप भली भांति परिचित भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन सारी चीज़ों का चर्चा किया था। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को जान रहे होंगे कि क्या है सिस्टम एनालिसिस क्या है। देखिए फास्ट टेक्निक, फैक्ट एंड फाइंडिंग टेक्निक, अमन ये सब भी बता चुके हैं, है ना? फैक्ट एंड फाइंडिंग टेक्निक्स भी हो चुका है, इंटरव्यू, डायरेक्ट इंस्पेक्शन, QRD, ये बहुत सारे चीज़ है। यानी कि यूनिट 2 जो हमारा है ना क्लास, डाटा फ्लो डायग्राम ERD, यूनिट 2 जो है, अमन इसको ज़रा सेंड कर दीजिए। यूनिट 2 बेसिकली सामान्य तौर पे अगर बात की जाए तो यूनिट 2 का
उद्देश्य है आपको रिक्वायरमेंट को समझना, यानी कि सिस्टम एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट का क्या स्थान है और रिक्वायरमेंट को आप कैसे पहचान सकते हैं कि कैसे वर्क करता है, जिसमें हर तरह के अलग अलग टेक्निक्स का हम लोग यूज करेंगे। उन सारे टेक्निक्स के बारे में जानने का अध्ययन भी करेंगे। और प्लीज़ आप लोग असाइनमेंट बनाइए। अब जो असाइनमेंट नहीं बनाते हैं मैं उन्हें क्या कहूँ, राहुल कुमार आप एक भी असाइनमेंट नहीं बनाते हैं। आप राहुल रितुल से कुछ क्यों नहीं सीखते हैं? रितुल एक भी असाइनमेंट नहीं छोड़ती हैं, सब असाइनमेंट बनाती हैं। इनमें एक बहुत अच्छी खासियत है कि थ्योरी असाइनमेंट कभी नहीं छोड़ती हैं, हमेशा बनाती हैं। आप लोग जिनको थोड़ा भी लगे रितुल से सीखिए कि कम से कम थ्योरी असाइनमेंट एग्जामिनेशन में तो अमन थ्योरी लिखना पड़ेगा ना, थ्योरी तो जरूरी है, ऐसा थोड़ा है कि लैब के साथ थ्योरी नहीं जरूरी है। तो कॉपी कलम पे अब मैंने लैब कर दिया तो इसका मतलब थोड़ा है कि अब आप कॉपी पे कलम से नहीं बनाएंगे। देखिए सबकी अपनी एक महत्ता होती है, सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप किसी की भूमिका को कम नहीं कर सकते हैं, हर की भूमिका अलग अलग होती है ना। पहले की भूमिका क्या है, लिखित परीक्षा में अगर आपको अच्छा लाना है मार्क्स तो उसके लिए आपको जो असाइनमेंट देते हैं उस असाइनमेंट्स को अच्छी तरह से बनाइए। लैब है उस लैब को भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हम लोग का चर्चा शुरू हुआ। देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ टारगेट सिस्टम। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एक तरह का डिस्क्रिप्शन, फीचर्स का डिस्क्रिप्शन है, किसके मतलब सिस्टम के फीचर्स का डिस्क्रिप्शन करता है, वर्णन करता है और सिस्टम के फंक्शनैलिटीज के बारे में भी बताता है। रिक्वायरमेंट्स कन्वे द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूजर्स। रिक्वायरमेंट्स क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स को कन्वे किया जाता है। यूजर ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या दिया और डेवलपर ने उसको कन्वे क्या किया, ये निर्भर करता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या था। हो सकता है द रिक्वायरमेंट्स कैन बी ऑब्वियस और हिडन, नोन और अननोन, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको स्पष्टीकरण दे, कुछ अस्पष्टता न दे, कुछ छुपा के रखे। जैसे एक होता है कुछ आदमी होते हैं बोलने वाला, कुछ होता है चुप्पा, तो जो चुप्पा होता है बहुत घातक होता है, आधा जानकारी दे देगा आधा नहीं देंगे तो आपको परेशानी होगा, समझ रहे हैं ना। वही चीज़ के बारे में कहा जाता है रिक्वायरमेंट्स कैन बी ऑब्वियस और हिडन। हो सकता है कस्टमर आपको आधा रिक्वायरमेंट दे दे और आधा आपको रिक्वायरमेंट्स दे ही नहीं, हिडन कर दे, आप फिर बाद में जाकर कहे कि नहीं हम तो ये भी दिए थे रिक्वायरमेंट्स। अमन ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर उस केस में एक एग्रीमेंट तैयार करता है जो आपको लोगों को हम बताएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं SRS टेम्पलेट्स। मैंने आप लोगों को बताया था शायद इस वर्ड से आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे। नहीं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। आप जो है हाजीपुर का रास्ता पकड़ के आप समस्तीपुर वाला बस पर मत बैठ जाइए, बस का नेम प्लेट हो सकता है चेंज हो, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये क्या होता है आपका, ये बताता है कि अगर कस्टमर कोई गड़बड़ी करता है, मान लीजिए राहुल यादव कोई कस्टमर है, कुछ आदमी जैसे पर्सन होते हैं कुछ हर बात को स्पष्ट से क्लियर करते हैं, जो रहेगा मुंह पर सामने बोल देंगे, जो रहेगा सामने बात बोल जाएगा, कुछ होता है मीठा मीठा बात बोल के पूरी बात ना कह पाना, तो क्या हुआ हिडन हो गया, वो छुपा हुआ हो गया, वो क्या हो बहुत घातक होता है, वो आधा काम तो अभी करा लिया और फिर सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के समय वो पूरा काम करवाता है, तो क्या है प्रॉब्लम है, वो इश्यूज है, डेवलपर के लिए संभव नहीं ना। इसलिए क्या है सॉफ्टवेयर का रूल है कि आप ऐसा क्या कीजिए एक SRS बनवा लीजिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसका एक टेम्पलेट्स होता है। उस टेम्पलेट्स में आप लोगों से मैंने चर्चा किया था, बताया था ना, पहला इंट्रोडक्शन होता है, फेलिकेशंस होते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर क्या, यानी कि इसको बना के नीचे कस्टमर का सही सिग्नेचर करा लीजिए तो फिक्स हो गया। अब कस्टमर
बोले ना बोले, चुप रहे ना चुप रहे, कोई फर्क नहीं है। इतना आपने रिक्वायरमेंट दिया, हम इतना काम करेंगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अमन यही ना होना चाहिए, नहीं यस सर। तब तो कस्टमर हर बार आएगा और कहेगा कुछ दाहिना से दो जोड़ दीजिए, कुछ ए जोड़ दीजिए, कुछ ए मॉडल्स जोड़ दीजिए, कुछ सॉफ्टवेयर में ए चेंज कर दीजिए कुछ। तब तो ये सॉफ्टवेयर तो बहुत बनने की चीज है, बेचारा डेवलपर जो है इंजीनियर परेशान हो जाएगा, है ना। इसलिए एसआरएस का भी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आ जाइए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसी की चर्चा हम लोग करने जा रहे थे। द प्रोसेस टू गैदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट देम इज नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जो प्रोसेस है जो आप गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं टू द किससे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का मतलब किससे इकट्ठा करते हैं, क्लाइंट से एनालाइज करते हैं, तो देखिए ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे अगर कोई आपने कस्टमर से, क्लाइंट से यानी कि रिक्वायरमेंट क्या किया, गैदर किया, गैदर करने के बाद क्या करें, प्रोसेस करें, प्रोसेस करने के बाद दुर्गा क्या किए, दुर्गा प्रोसेस करने के बाद क्या किए, एनालाइज किए, और एनालाइज करने के बाद इसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में तब्दील कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा अमन, क्या कहलाएगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अमन अब देखिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कुछ प्रोसेस भी है, वो प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस प्रोसेस से भली भांति परिचित भी होंगे। अमन कुमार, मैंने सेकेंड सेमेस्टर में भी इसकी चर्चा किया हूँ और मैंने आप लोगों को बताया भी था, और शायद आप लोगों ने अगर याद किया होगा तो याद होगा, और नहीं तो फिर तो आपकी समस्या है। ये यहाँ पे मैंने फिजिबिलिटी की भी चर्चा की थी, और फिजिबिलिटी शायद आप इस शब्द से परिचित भी भली भांति होंगे। अमन ये फिजिबिलिटी क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ये सारे फिजिबिलिटी होते हैं कि नहीं होते हैं अमन? यस सर, होते हैं ना। तो देखिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में चार स्टेप होते हैं, फोर स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? फोर स्टेप्स होते हैं। फोर स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है अमन? फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें आता है नंबर वन, रुक जाइए, जिसमें आता है फर्स्ट ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ठीक है। फिर सेकेंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। दुर्गा लिख क्यों नहीं रही है, कॉपी पे लिखिए इसको, जो बोल रहे हैं सो लिखिए। रितुल, यस सर। रितुल कुमारी लिख क्यों नहीं रही है, कॉपी पे लिखिए इसको, और आज आप 2 बजे तक इंस्टीट्यूट पे आएंगी कलम को लेके, और जो भी लैब है, चूंकि आज आपका कॉलेज नहीं है मुझे पता है, आज बंद है, आज आप आके और लैब में जो प्रोग्राम नहीं समझिए 2 बजे इंस्टीट्यूट पे आ जाइएगा और कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास भी 2 बजे अलावा कर लेंगे और लैब भी आपको करा देंगे, ठीक है। आप ट्रेन लेते आइएगा, हाँ 2 बजे, क्योंकि आज हम लेट पे इंस्टीट्यूट पे पहुँचेंगे, 10 बजे 11 बजे में इंस्टीट्यूट पे पहुँचेंगे। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी, और पेन लेते हुए आइएगा, ठीक है ना। और आप लोग प्लीज रितुल से जरा कुछ सीखिए कि कैसे असाइनमेंट बनाते हैं, देर रात तक भी इन्होंने असाइनमेंट बनाकर सबमिट करती है। कभी भी जो थ्योरी असाइनमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस को मत रखिए। राहुल कुमार, आप एक भी असाइनमेंट नहीं बनाते हैं। अमन, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हुआ, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी हुआ, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ये सभी क्या है, फिजिबिलिटी की स्टडी है,
अब क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। अमन इसको सेंड कर दीजिए। फिर है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं, कैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर पाए। और फिर है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के वैलिडेशन को चेक करना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के वैलिडेशन को चेक करना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को पहचाना, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। हाँ दुर्गा, यहाँ से रीडिंग दीजिए। अमन म्यूट कर लीजिए। दुर्गा रीडिंग दीजिए फिजिबिलिटी स्टडी से, पढ़िए यहाँ से रीडिंग दीजिए। When the climax approach the organization, दुर्गा ध्यान से सुनिए, क्लाइनेक्स नहीं, धीरे धीरे पढ़िए, जो भी वर्ड गलत हो वहाँ पूछिए, पूछेंगे नहीं तो मैं कैसे जब बता पाऊंगा। जो अंग्रेजी का वर्ड नहीं आता है पढ़ने, उसको पूछने में कोई संकोच और शर्म की बात थोड़ी है, थोड़ा देर रुक के पूछ लीजिए। When the client, अब कंटिन्यू कीजिए। When the client approaches the organization for getting the direct desired product developed, it comes up with a round ideas about what a rough idea. देखिए, with a rough idea about what all functions the software must perform and which all features are expected from the software. चलिए अब समझिए, यहाँ पे जब क्लाइंट क्या करता है, अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है, ऑर्गेनाइजेशन को। अमन किस चीज के लिए, फॉर गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट डेवलप, जो प्रोडक्ट डेवलप किया है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट अमन तब तक डेवलप नहीं किया जा सकता है जब तक उसके पीछे कोई आइडिया ना हो। बिना आइडिया का कोई सॉफ्टवेयर थोड़े है। आज आप देखिए, आज व्हाट्सएप आया, आज यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इस सबके पहले यह कब आया, इससे पहले तो आइडिया आया होगा ना, किसी को यूट्यूब बनाने का आइडिया आया होगा, किसी को व्हाट्सएप बनाने का आइडिया आया होगा, तब ना ये सब प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। अमन यस सर, तो कोई भी प्रोडक्ट का बनना या ना बनना यह तय होता है उसके आइडिया से। अगर आइडिया आया और आइडिया का जनरेशन हुआ, एक्सपेक्टेशन हुआ, तो सॉफ्टवेयर का बनना कन्फर्म होता है। चलिए यहाँ से रितुल, आप ऊपर से पढ़ जी, तो रितुल की इंग्लिश अच्छी है, रितुल ऊपर से पढ़िए। When the client approaches, feasibility study. When the client approaches the organization for getting the desired product developed, it comes off with a rough idea about what all functions the software must perform and which all features are expected from the software. Referencing to the information, the analysis to a detailed study about whether the desired systems and the functionality is feasible to develop. The feasibility study is focused towards goals of the organization. This study analyzes whether the software product can be the practically materialized in terms of the implementation contribution of the project to an organization's cost constraints and as per values and the objectives of it. इसको देखिए, constraints means क्या होता है, प्रतिरोध, रोकना, है ना, ये सारे चीजों के बारे में। चलिए अब समझिए, इसका अर्थ समझिए, इसके अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। When the client approach, जब client, यानी client मतलब क्या होता है, कुछ कुछ देखिए, जो word का अंग्रेजी में meaning नहीं समझ पा रहे, उसका meaning भी copy में लिख लिया कीजिए, ताकि आप लोगों को याद रहे। अमन है ना, अगर अमन कस्टमर को नहीं कहेंगे, हाँ बिल्कुल, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, पढ़ने का ये भी एक तरीका है। जो भी अंग्रेजी का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं और जिस अर्थ को हम बताते हैं वर्ड मीनिंग को, आप लोग कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, ताकि अगली बार से उसका वर्ड मीनिंग भी बहुत जरूरी है। अगर अंग्रेजी समझने के लिए इसकी भी एक बहुत
इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए महत्ता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप लोग इसको लिख लीजिए वर्ड मीनिंग, जो हिंदी में हम बोलेंगे कुछ कुछ वर्ड को लिखिएगा, बाकी आपकी इच्छा। तो क्या है, व्हेन द क्लाइंट अप्रोच, क्लाइंट मतलब कस्टमर, यानी कि कस्टमर जब अप्रोच मतलब पहुंच, पहुंच कर अप्रोच करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप क्या कीजिए, जो यह प्रोडक्ट डेवलप किया जा करना है, तो इसके पीछे वो लोग क्या करता है, इट कम्स अप, उस प्रोडक्ट को डेवलप होने के पीछे पहले आइडिया आया कि यह कैसे काम करेगा, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप किस तरह से काम करेगा, व्हाट्सएप की क्या फंक्शनैलिटीज होगी। तो हर सॉफ्टवेयर के बनने से पहले उसका आइडिया का आना, यानी कि किस तरीके से काम करना है, किस तरह से वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, इन सारे चीजों की चर्चाएं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, रेफरेंसिंग टू दिस इंफॉर्मेशन द एनालिस्ट डू अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट वेदर द डिजायर्ड सिस्टम एंड इट्स फंक्शनैलिटी आर फिजिबल टू डेवलप। रेफरेंसिंग इस सूचना के संदर्भ में एनालिस्ट कौन होता है, आप लोग शायद पूर्व में भली भांति परिचित भी होंगे, द्वितीय सेमेस्टर में यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में मैंने इसकी चर्चा भी किया था आप लोगों से, सिस्टम एनालिस्ट की जवाबदेही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या होते हैं, जिसमें अमन मैंने बताया था ना सिस्टम एनालिस्ट क्या क्या काम कर सकता है, सिस्टम एनालिस्ट के रोल क्या है, यानी भूमिका क्या है, वो क्या क्या काम करने के लिए सक्षम है। अमन, इन सारी चीजों की चर्चाएं तो मैंने किया था सेकंड सेमेस्टर में, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है। हाँ बिल्कुल, वो मैंने डायग्राम से भी समझाया था आपको, आज वही चीज फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है द एनालिस्ट, यानी कि जो सिस्टम को एनालिसिस करता है वह सिस्टम एनालिस्ट कहलाता है। सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को जो एनालिसिस करे, समझे कि कैसे बनना है, क्या होना है, किस तरीके से होना है, यानी कि हर तरह के जो अध्ययन है ना, स्टडी है, वो कौन करता है, अध्ययन यानी स्टडी करने का काम किसके रिगार्डिंग, सिस्टम के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी यानी उसकी अपूर्णता और उसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में ये भी जानना कि सुचारू रूप से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गौरव, है ना, इन सारे चीजों का चर्चा जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, फिजिबिलिटी में, और जो करते कौन है, सिस्टम एनालिस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। फिर क्या है, दिस फिजिबिलिटी स्टडी इज फोकस्ड टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यह जो फिजिबिलिटी स्टडी है ना, इसका पूरा ध्यान किस पे केंद्रित होता है, उस सॉफ्टवेयर के गोल पे, कि सॉफ्टवेयर कैसे बनना है। दिस स्टडी एनालाइसिस वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी मटेरियलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यह स्टडी एनालाइज करता है कि कहाँ पर यह सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से इसको मटेरियलाइज किया जा सकता है, किसके टर्म में, इम्प्लीमेंटेशन के टर्म में, किसके टर्म में, किसके टर्म में, कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट के टर्म में, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स में, एंड एज पर और वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको सारी चीजों को विचार करना होगा, पहला विचार आपको करना होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, दूसरा विचार करना कंडीशन प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तीसरा विचार करना होगा कॉस्ट के कंस्टेंट्स के लिए, और चौथा आपको एज पर द वैल्यू, यह वैल्यू यानी इसकी महत्ता क्या है, ये भी आपको विचार करना होगा। ये सब किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इट एक्सप्लोर, और इसके साथ ही साथ आपको टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखने होंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट्स सच एज यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन एबिलिटी। ये क्या करता है, प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट चाहे वो यूजेबिलिटी हो, चाहे उसको मेंटेन करना हो, चाहे प्रोडक्टिविटी करना हो या इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी हो, ये सारी चीजें फिजिबिलिटी के ही पार्ट है, जो कि पहले इसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या है, द आउटपुट ऑफ दिस फेज शुड बी फिजिबल स्टडी रिपोर्ट एंड दैट शुड कंटेन एडवोकेट कमेंट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड वेदर और नॉट द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। आउटपुट ऑफ दिस फेज, इस फेज का आउटपुट क्या होना चाहिए, फिजिबिलिटी होना। अगर क्लास आप ध्यान देंगे
कि अगर फिजिबिलिटी जो है ना, अगर उस रिक्वायरमेंट की फिजिबिलिटी अगर सही है, उसकी रिपोर्ट अगर सही है, तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बनाना आसान हो जाता है। कारण क्या है, अगर एनालिस्ट को पता चल गया कि इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चर्चा किया पहला ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है फिजिबिलिटी का, बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है कि ऐसी फिजिबिलिटी जो आपको यह बताता है कि यह सॉफ्टवेयर कितने सिस्टम पे और कहाँ कहाँ पे जाके किस तरह से वर्क करेगा, ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है। ये आपको ये काम करने का ढंग बताता है। मान लीजिए अब सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, वह डेस्कटॉप पे तो अच्छा चल रहा है, स्मार्टफोन पे हो सकता है ना चले, या हो सकता है कुछ प्रोसेसर पे चले कुछ प्रोसेसर पे नहीं चले, तो ये सारी चीजें भी आती है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। एक चीज तो ये भी है, दूसरी चीज है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, यानी उस सॉफ्टवेयर की कीमत भी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए आज फेसबुक की कीमत अगर कर दी जाए, फेसबुक है, फेसबुक को क्या कर दिया जाए, आज उसकी कॉस्टिंग लगा दिया जाए कि महीने का 5,000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। अब संभव देखिए इंडियन यूजर में से तो 99% यूजर अमान 95 कर दीजिए 99% यूजर तो यूट्यूब से भाग जा हट जाएगा, संभव है कि नहीं संभव है अमान? यस सर, हट जाएगा। 99% यूजर क्या होगा, आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता अब यह है कि अब आउट नहीं होगा, क्योंकि लोगों की अब आदत हो चुकी है गूगल का फेसबुक का, ये सब क्या है उसकी जिंदगी में, उनके लाइफ में वो हिस्सा बन चुका है, एक पार्ट है, लाइफ ऑफ पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया, जीवन का आपका अंग बन चुका है। आप यूट्यूब को हटा दीजिए, यूट्यूब कर दे कि हम चार्ज लेंगे 4,000 रुपया 3,000 पर मंथ के हिसाब से, तभी यूट्यूब पे वीडियोज देखने देंगे, तो क्या होगा ये चार्ज बताइए, यूजर्स आउट नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूँ कुछ हद तक आउट होगा, लेकिन क्या है ऐसी स्थिति होंगी तो 90% यहाँ पर लिखना था 300 लिख दी। अब मान लीजिए 3,000 अगर चार्ज लग गया इसका, तो आप मान के चलिए 90% यूजर्स क्या हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। कारण समस्या आप लोग परिचित हैं, इंडियन यूजर्स भारतीय लोग इस पे क्या होंगे बच्चों, ये अमूमन बाहर हो जाएंगे इसमें। लेकिन आप विचार कीजिएगा कि 99% यूजर्स तो बाहर होंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं है। जैसे जैसे यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप लोगों के लिए हैबिचुअल होते चला जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत हो रही है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपका गूगल के बिना काम ही नहीं चल सकता है, आज आपका स्मार्टफोन बिना गूगल के चल ही नहीं सकता है, सारे ऐप्स आप डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे अमन, है कि नहीं? क्योंकि एंड्रॉयड्स का होना नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो अभी नहीं है, लेकिन बाद में जाकर परिदृश्य होगा तो दूसरी बात है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का समझाने का उद्देश्य यही था कि पैसा का जो है इकोनॉमिकली उस सॉफ्टवेयर की कीमत का कम होना या ज्यादा होना, और सॉफ्टवेयर की कीमत अपितु सिर्फ आपके यूजर पे निर्भर नहीं करता है। आज अगर हम ERP सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या उसकी कॉस्टिंग नहीं रहेगी? एक एक सॉफ्टवेयर तो सबसे दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था, दुनिया में सबसे सस्ता क्या है, सॉफ्टवेयर है, सबसे महंगा क्या है, सॉफ्टवेयर है ना। एक सॉफ्टवेयर जो आप आपके लिए हो सकता है कि फेसबुक बहुत फ्री में मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता है यही है कि फेसबुक का अर्निंग इतना है, शायद दुनिया में किसी चीज का उतना अर्निंग नहीं हो, है ना। तो क्या है, सॉफ्टवेयर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसका कीमत को आप आंक नहीं सकते हैं कि उसकी कीमत कितनी होती है। मैंने एक ही चीज में बोल दिया आपको कि सॉफ्टवेयर की कीमत सबसे लो भी है और सबसे हाई भी है, यानी कि आज आप जो फ्री में यूज करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी, ये क्या लो मतलब क्या फ्री भी है कि नहीं है अमन, और हाई है, एक एक सॉफ्टवेयर आते हैं, आप जो आज जाएंगे मेट्रो ट्रेन में चढ़िए या मेट्रो कार में चढ़िए, जो ऑटोमेटिक गाड़ी आती है ना, कार वगैरह ऑटोमेटिक आता है जहाँ सॉफ्टवेयर लगा रहता है, उस सॉफ्टवेयर की कीमत होती है आप समझिए कि जैसा आपका सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट, लाखों में करोड़ों में सॉफ्टवेयर की कीमत जाती है।
मैंने एक ही कहा ना, दुनिया का सबसे सस्ता चीज भी सॉफ्टवेयर है और सबसे महंगा चीज भी कौन है, उतना महंगा मिलता है। बिल्कुल, तो इसकी कीमत कम और बढ़ती जाती है ना, ये सारी चीजें होती रहती है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी हो गया। ये क्या हुआ आपका, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी हुआ, ठीक। और देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या हुआ, टेक्निकल फिजिबिलिटी का समझने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है, अब वह सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे चले, यह तो तर्कसंगत नहीं है ना। मान लीजिए अपडेट लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने कहा अपडेट। आज देखिए अपडेट इसलिए मांगा जाता है, अपडेट तो फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए होता है। अपडेट तो बेसिकली अपडेट का जो मीनिंग होता है वो फीचर्स को इंक्लूड करता है और इससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है। फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए है ना, क्लास फीचर्स को इंक्लूड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है टेक्निकल फिजिबिलिटी का, समझिएगा। मान लीजिए किसी का प्रोसेसर जो है 32 बिट प्रोसेसर है। कितना बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर है। होता है ना बहुत सारे लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो किसी का 64 बिट होता है, 64 बिट प्रोसेसर होते हैं ना, क्लास आप लोग परिचित होंगे। तो क्या है, और आज आ गया क्रोम बेस्ड। अब जो लैपटॉप आ रहा है उसमें हार्ड डिस्क का कंसेप्ट समाप्त हो रहा है, विंडोज 11 में आई है क्रोम बेस्ड आ रहा है प्रोसेसर, यानी कि बहुत सारे चीज चेंज हो रहा है, तो अलग चीज है। तो जब ये सॉफ्टवेयर जब बनता है ना, तो क्या है 32 बिट प्रोसेसर का होना, 64 बिट प्रोसेसर का होना या क्रोम बेस्ड प्रोसेसर का होना, ये सारे चीजों का अपना एक अलग अलग भूमिका है। अगर सॉफ्टवेयर इस तीनों चीजों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाए तो क्या कभी वो टेक्निकल फिजिबल हो सकता है, सो बताइए। नहीं ना हो सकता है। 32 बिट पर ऐसा होना चाहिए, आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं ना, वहां पे आपको बताता है ना कॉन्फ़िगरेशन, जावा सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, वहां पे बताता है ना कि 86 के लिए है, 32 बिट प्रोसेसर के लिए करना है या 64 बिट प्रोसेसर के लिए करना है या क्रोम बेस्ड के लिए करना है। तो आपको प्रोसेसर का आर्किटेक्चर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिफाइन ही नहीं है तो आप ऐसा थोड़े है कि 64 बिट को 32 बिट पे चला लेंगे और 32 बिट वाले प्रोसेसर को। हाँ ऐसा हो सकता है कि लोअर वर्जन को आप हायर वर्जन की ओर चला सकते हैं, लेकिन हायर वर्जन को लोअर वर्जन में ले जा सकते हैं। 32 बिट प्रोसेसर को अगर कोई सिस्टम है तो आप 64 में चला सकते हैं, लेकिन 64 बिट अगर 64 बिट है तो 64 बिट वाले सिस्टम्स को 32 बिट प्रोसेसर में नहीं चलाया जा सकता है, यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अमन इसको सेंड कर, अमन नहीं दुर्गा सेंड कीजिए इसको। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अभी ये देखते हैं जो आते कंपाइलर इंस्टॉल कर देते, किसी में 32 बाइट प्रोसेसर उसमें नहीं लेता है, जिसमें 64 बाइट उसमें लेता है, यही होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दुर्गा इसको स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, डू फास्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सारे चीजों को समझ लिया कि आखिर कैसे फिजिबिलिटी, देखिए ये जानना बहुत आवश्यक है। फिजिबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में भी पूछता है और ऐसे भी आप लोगों के प्रोजेक्ट सिक्स सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको अच्छे से आप लोग कीजिएगा। फिजिबिलिटी की अपनी एक भूमिका है, सॉफ्टवेयर का बनना या बनने के लिए तय होना न बनना, ये सब फिजिबिलिटी पे बहुत इसकी बागडोर होती होती है। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आइए। क्या है प्रोडक्ट, द आउटपुट ऑफ दिस फेज, जो चर्चा भी कर चुके हैं कि रिपोर्ट, अगर फिजिबिलिटी का रिपोर्ट अच्छा है, अगर रिपोर्ट अच्छा है तो इम्प्लीमेंटेशन में होने में आसानी होगा, अगर फिजिबिलिटी सही नहीं है तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उससे पहले उसके रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करके फिजिबिलिटी को बनाया जाता है और फिर वर्क होते हैं। अब आते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट के गैदरिंग पे।
देखिए, इफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज पॉजिटिव टुवर्ड्स अंडरटेकन द प्रोजेक्ट, नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स विथ गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूजर्स। यदि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है, किसके सकारात्मक है, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सही है, यानी रिपोर्ट ने क्या किया, सही बता रहा है, हाँ कि ये सारी चीजें करने से प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट फेजेज स्टार्ट्स विद द गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर्स, तो अगले फेज की ओर हम लोग चलते हैं। एनालिस्ट एंड इंजीनियर्स कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड इन द यूजर्स टू नो देयर आइडियाज ऑन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड एंड विच फीचर्स दे वांट द सॉफ्टवेयर टू इंक्लूड। यानी कि एनालिस्ट और इंजीनियर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, किससे कम्युनिकेट करेगा, एनालिस्ट कौन हुआ जो सिस्टम को एनालिस करता है, इंजीनियर कौन हुआ जो डेवलपर है, यानी कि एनालिस्ट और इंजीनियर दोनों क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ जब तक कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं तब तक, या इंडिविजुअल्स के साथ, तब तक वो कैसे पता कर सकता है कि उसको डेवलप क्या करना है, कम्युनिकेट तो करना होगा ना, जब व्हाट्सएप बना होगा या फेसबुक बना होगा या यूट्यूब बना होगा तो डायरेक्ट थोड़े बना है, इसके पीछे क्या है, बहुत सारे आइडियाज हैं, एक क्लाइंट से डिस्कशन, लोगों की जरूरतों को समझा गया होगा, लोग क्या चाहते हैं ना, एक क्लाइंट्स, क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट्स हो गया है ना। देखिए क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट, कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर का बनना सबसे पहले लोगों की जरूरतों को समझना होता है। अगर आप लोगों की आज यूट्यूब क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है या फेसबुक व्हाट्सएप क्यों पड़ी, इसके पीछे सीधी सी बात है कि लोगों की जरूरत है, हर चीज के लिए समझते हैं यूट्यूब है ही, तो क्या जरूरत बना तो बोलते हैं ना कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी। यही कारण है कि आज डे टू डे यूट्यूब ही तो छोड़ दीजिए, आज आप देख रहे हैं जोमेटो आ गया, बहुत सारा ऐप्स आ गया, एप्लीकेशन आ चुके हैं, एप्लीकेशन ऐप्स, जोमेटो ऐप्स में क्या होता है, आप लोग जोमेटो ऐप्स का नाम सुनेंगे, या आज आप फ्लिपकार्ट देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे क्या है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, हर चीज क्या हो चुका है, पूरे सॉफ्टवेयर पे, इसके पीछे पहले उसकी जरूरतों का एनालिसिस किया होगा, रिक्वायरमेंट एनालाइज किया गया, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, अगर आपको ई कॉमर्स करें है ना, तो ये सारी चीज अब क्या हो गई है, पूरी की पूरी चीज आप कह सकते हैं कि ये पहले उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया गया, फिर गैदर किया गया होगा, उसके रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकेशन किया गया होगा, फिर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, यानी कि ये सारी चीज हुई होगी, रिक्वायरमेंट पहले गैदरिंग करना, फिर सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी स्टडी करना, फिर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना, फिर सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट को वैलिडेशन करना, ये सारी चीजें आई होंगी, जब तक ये सारी चीजें नहीं होती है तब तक संभव नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने समझा ना, तो कोई भी चीज जब डेवलप होता है ना तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज होती है रिक्वायरमेंट, जरूरत, अगर जरूरत आ जाए, आज क्या है लोगों को देखिए, आज आ गया जोमेटो, आ गया जोमेटो एप्स का नाम सुने होंगे आप लोग, नाम जानते हैं जोमेटो, यस सर, क्या है, क्या है जोमेटो, जोमेटो कोई रेस्टोरेंट है नहीं, जोमेटो कोई होटल है, ऑनलाइन बुक करने का माध्यम है, यस, जोमेटो एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, लोगों की जरूरत सारा समझिए, जोमेटो क्या किया कि आपके रिक्वायरमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया, अब किसी को क्या चीज खाना है, किसी को क्या चीज लेना है, इसके लिए उसको माने हर दुकाने दुकान या हर जगह उसको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर के जोमेटो को क्या कह गया, जोमेटो को हम लोग कहेंगे रिक्वायरमेंट को एक जगह इकट्ठा कर दिया, जोमेटो क्या किया, आदमी लोगों को क्या एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ऑर्डर देंगे, और ऑर्डर देंगे फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई और डिलीवर्ड होगा, ये सारी चीज क्या है, पहले रिक्वायरमेंट ऐसा एनालाइज किया गया तब ना आज डेवलप, ऐसा थोड़ा है कि जोमेटो कोई रेस्टोरेंट नहीं, वो सारे जितने भी दुकान, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी बिक्रीज, बहुत सारे जो भी हैं उन सबसे टैग किया हुआ है, और आप क्या करते हैं सॉफ्टवेयर जोमेटो के ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, और जैसे आपने किया वो क्या करता है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया है, आप वहां से क्या करेंगे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर देते हैं और आपको सप्लाई करता है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या हुआ। तो क्या है, एक तरह का पहले रिक्वायरमेंट्स आए, आप लोग क्या नहीं थे कि हम अगर जाएंगे
अगर हमको ये चीज खाना है या ये सामान लेना है तो 5 जगह 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे रखे। तो अधिकतर यह मेट्रो सिटीज में ज्यादा यूज होते हैं। जोमेटो, देखिए ऐसा नहीं है कि आप नॉन मेट्रो सिटीज में भी नहीं यूज होने, आज और अब समय बहुत बदल रहा है। आज हाजीपुर में देखिए, छोटे से शहर में भी आपको जोमेटो एप्स मिल जाएगा, इसके बहुत सारे यूज होने लगे हैं। अब देखिए उबर आ गया, उबर का एप्स देखिए, ओला आ गया, ये सब क्या, सब एप्स पे काम करते हैं। सबके पीछे क्या है, सॉफ्टवेयर है। उबर है, उबर का एप्स देखिए, या आप ओला का भी एप्स देखेंगे। okay, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो गाड़ी चाहिए, जैसा चाहिए, जहां आपको सोर्स कहां जाना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, बुक करते हैं और उसको अलॉट हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है, कुछ नहीं करना है, गाड़ी आपके पास आके खड़ी हो जाती है। तो ये सब कर कौन रहा है, इस सब के पीछे है कौन, क्या कॉन्सेप्ट है? पहले रिक्वायरमेंट आया होगा, जरूरतें आई होंगी, लोगों को पहले खोजना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था गाड़ी खोजने के लिए, खाना खाने के लिए, सामान लाने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, डे टू डे दिन दिन हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर आदमी के, इंसान के लाइफ में ऐसे आते चला जा रहा है कि आपको उसकी जरूरत बनती जा रही है, आप उस पर निर्भरता, आपकी डिपेंडेंसी बन रही है, खास के मेट्रो सिटीज में। मेट्रो सिटीज में तो अमूमन आधा से अधिक जो है ना, आपका सॉफ्टवेयर और एप्स ही काम करता है। और धीरे धीरे अब मेट्रो सिटीज को छोड़ी, क्या आज गांव गांव तक फ्लिपकार्ट नहीं पहुंच गया क्या? आप देखिए, आप आज अगल बगल में भी, गांव में भी जाकर देखिए, वहां पे भी अमूमन फ्लिपकार्ट पहुंच रहा है, कुरियर डिलीवर कर रहा है। तो क्या है, अब समय किसके अकॉर्डिंग, लोगों की जरूरत बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रदेश भी बदल जाते हैं। या मान लीजिए, उसको हटाइए, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो इस सब के पीछे कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर का आना तय था और सॉफ्टवेयर आपके डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे आपका स्टैंडर्ड लिविंग की बात हो, रहना सहना, खाना कपड़ा, घूमना सैर, माने कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं जहां पे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आप लोग समझ लीजिएगा। अब आते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट अगले नेक्स्ट वीक में करेंगे, जो हम लोग का होगा। अब असाइनमेंट दे देते हैं क्वेश्चंस का, और इसको आप लोग बनाइए। देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो टेम्पलेट है, इसके बारे में हम लोग ऐसे, मैंने सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ये सारे से बताया भी था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का। तो इसलिए इस पे आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले से, तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बाकी हम असाइनमेंट दे देते हैं। दुर्गा, आप असाइनमेंट कल नहीं बनाई थी, कल वाला भी असाइनमेंट बना के कंप्लीट करेंगे आप, और जितने भी हैं आप सभी देखिए थ्योरी का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। अमान, इसको सेंड कर दीजिए, अमान स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। आज आप देखिए ना, बहुत सारी चीजें देखिए अनुभव करने वाली बात है, ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो आपको सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस पता चलेगा। हर के पीछे पहले आइडिया आया होगा, आज जोमेटो आया, जोमेटो के पीछे आइडिया आया, फिर उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया गया, किसने किया होगा, सिस्टम एनालिस्ट ने किया होगा, रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया। धीरे धीरे आज देखिए लोग टेलीविजन टीवी से हटकर मोबाइल के यूट्यूब पे आके सिमट रहा है, तो क्या बहुत सारी चीजें बदल जाएगी आने वाला समय। देखिए AI पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। अब आप देखेंगे कि रोबोट, जापान वगैरह में क्या है कि रोबोट का ज्यादा यूज हो रहा है, रोबोटिक्स पे काम हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, और टेक्नोलॉजी आप समझिए कि 2050 तक टेक्नोलॉजी बहुत बदल जाएगा, इंसान से ज्यादा आपको मशीन अपना इम्पोर्टेंस दिखाने। आज क्या यूजर रिड्यूस नहीं हो गए, आज आप देखिए जो आप कहीं कहीं पे देखते होंगे 99% जगह, हर जगह काम ऑनलाइन होने लगा, लोगों की अब जरूरतें नहीं है, आधा से अधिक काम जो है कंप्यूटराइज्ड हो गए, इसकी इम्पोर्टेंस आने लगी, इसका यूज होने लगा। ठीक इसी तरीके से अभी इसमें और बहुत बड़ा बदलाव होगा, 2050 तक हो सकता है बहुत सारा पर्सपेक्टिव बदल जाए, सोच बदल जाए, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट हो जाएंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी। आप देखेंगे जैसे आज जापान में क्या है, रोबोटिक्स वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है, लोग वहाँ पे गाड़ी जो ड्राइवर होता है उसकी जगह पे रोबोट को रखते हैं, जापान में खास के गार्ड की जगह पर रोबोट को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बदलाव
तय है और वो 2050 तक इंडिया में उम्मीद करते हैं कि रोबोटिक्स पे चल रहा है, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होगा। तो इस सब के पीछे लोगों की जरूरत ही है, जरूरत जैसे जैसे आते जाएगा और अब हर चीज को चाहिए कंफर्टेबल जोन में सारी चीजों का अवेलेबल होना। तो इस सब के पीछे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन ये सारी चीजें काम करती है। ठीक है अमान, आपने सेंड कर दिया क्वेश्चन, दे अब असाइनमेंट। यस सर, चला। चलिए अब क्वेश्चन दे दे रहे हैं। कल वाला क्वेश्चन अमन आपने भी नहीं बनाया था असाइनमेंट। अमन यस सर, असाइनमेंट देखिए क्वेश्चन बनाया कीजिए, सब क्वेश्चन अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। कौन कौन है जरा एक बार अटेंडेंस बना लीजिए तो सब आदमी अटेंडेंस स्टार्टिंग से। आप देखिए आने वाला समय टीचिंग मेथोडोलॉजी बदल जाएगा। आज देखिए ग्राफिक्स बोर्ड आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज है ना। आप लोग देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट हो रहा है, लोग की जरूरत कैसे बदल रही है। आज देखिए एक से एक टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज हो गए, अब वो सिलेट अब बोर्ड वाला जमाना चला गया, बोर्ड पे लिखा जाता था, आज ग्राफिकल बोर्ड आ गए। यस या नो अमन कुमार, आज ग्राफिक्स बोर्ड का जमाना है। अब हर टेक्नोलॉजी बदलते जा रहा है, आप देखिएगा 10 साल बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन तो कर चुका है और इससे आगे भी करेगा, वो सारी चीजें आप लोग देखते हैं। हाँ चलिए एक एक करके अटेंडेंस जरा बना लीजिए स्टार्टिंग से, तब तक हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं। अभिनंदन कुमार लास्ट से शुरू करेंगे। अभिनंदन कुमार हैंड राइज का देखिए, वहां पे आपको सॉफ्टवेयर का सिंबल में हैंड राइज का सिंबल बोलना नहीं है, आपको क्लिक टच करना है स्मार्टफोन पे, हैंड राइज का है। ठीक है हो गए, म्यूट कर लीजिए राहुल कुमार, अमन राहुल अभिनंदन। हाँ हैंड राइज हो गया, आप नीचे कीजिए ना हाथ, समझ गए। फिर रितुल, फिर ठीक है दुर्गा, चलिए ठीक है आप क्वेश्चन से लिख लीजिए एक बार, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन समून 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं एग्जामिनेशन में। एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, अपने रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों को समझाया, अमन समझ में आ गया ना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, यानी जो जरूरतें। हाँ आज किसी के पीछे सबके पीछे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, या यूट्यूब हो व्हाट्सएप हो कुछ भी हो, सबके पीछे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 4, फिजिबिलिटी स्टडी हम बता चुके हैं। अभिनंदन आपको फिजिबिलिटी स्टडी याद है ना, सेकंड सेमेस्टर में कराए थे। अभिनंदन कुमार अभिनंदन, यस सर, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है बताए थे सेकंड सेमेस्टर में, पिछले साल बता चुके हैं, याद है कि नहीं? एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी स्टडी, ये भी कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए सबको ध्यान रखेंगे इसमें। एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट
सॉरी, देखिए अब विश्वकर्मा पूजा है तो ऐसा नहीं कि आप लोग अब काम धाम छोड़कर पहले वर्क इज वर्कशिप, जो काम है पहले अपना कर लीजिए, जो असाइनमेंट है वो बना लीजिए, तब जाके अपना जो काम करना है करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है ना। अमन कुमार, अब ऐसा नहीं कि आप मोटरसाइकिल धोने चले जाइएगा, हमको भी गाड़ी धोना है, लेकिन पहले काम जो वर्क है उसको कंप्लीट कीजिए, तब अपना गाड़ी घोड़ा जो भी धोना है धोने जाइएगा आप लोग जो भी हो। रितेश सवेरी से धो रहे हैं गाड़ी। हाँ तो वो ज्यादा उनको है, पहले वर्क इज वर्कशिप होता है, पहले अपना काम है उसको पहले कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट बनाइए होमवर्क कंप्लीट करके, तब जाके अपना कीजिएगा। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मुझे भी तो करना है, हमारे पास तो रितेश से बड़ा बड़ी गाड़ी है, लेकिन पहले हम आप लोगों का क्लास कराना ज्यादा जरूरी समझे, पहले जो है उसकी पहले कंप्लीट होना जरूरी है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट सेमेस्टर वाले का टाइम थोड़ा आगे किए हैं, उन लोग को 10 बजे से कर दिया, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन थोड़ा लेट। एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रितुल, यस रितुल, आपको कितने बजे आ जाना है पता है ना? 2 बजे। और पेन लेके आइएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। असाइनमेंट कितने बजे तक बन के आ जाएगा सो बताइए। 12 बजे तक। वेरी गुड। एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, कितने क्वेश्चन हुए अमन? 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे 6 हो गया। अच्छा अच्छा, 7 कर दी। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इस सिस्टम एनालिस्ट भी ये क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अमूमन बहुत बार पूछे भी गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंस भी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिस्टम। सिस्टम अभिनंदन, अभिनंदन कुमार आवाज नहीं सुन पा रहे हैं मेरी? सुन रहे हैं, बोलिए ना। हाँ तो अभी बाइक कोई अपना बाद में धोने जाइएगा, पहले होमवर्क कंप्लीट करके 1 बजे से पहले ये पहले कंप्लीट कीजिए। जो भी आज विश्वकर्मा पूजा है ठीक हमको पता है सबके लिए, लेकिन पहले जो दिए हैं असाइनमेंट इसको पहले कंप्लीट करके और 1 बजे से पहले सब कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और इसको दुर्गा कितने बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे सब सेंड करते रहिए। अमन तब तक क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। दुर्गा है ये ना? अच्छा आ ही जाएंगी, चलिए मे बी आप इसको सेंड कर दीजिए। रितुल बोली दिए हैं, अमन आप कर दीजिएगा कंप्लीट। यस, जितना जल्दी हो ये सब बना के कंप्लीट करके भेज देंगे, सेंड कर दीजिए। चला गया। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और 2 बजे आप उनको फिर देखेंगे सेकंड सेट में, देन मोर टू बी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और कंपलसरी कर दीजिएगा असाइनमेंट बनाना है, कोई ऑप्शनल नहीं है, लिख दीजिए अमन कि कंपलसरी 2 बजे 1 बजे से पहले बना के कंप्लीट कर देना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।